सुमुयुन, तुम पछताओगे। मैंने तुम्हारे लिए असिस्टेंट ढूंढी है, वो तुम्हें मदद करेगी। हेलो प्रोफेसर, सॉरी मुझे लेट हुआ। तुम यहां क्या कर रही हो? या कुछ खा नहीं सकते? दुनिया और भी अच्छी लगने लगती है जब आप अपने लोगों के साथ हो। तुमने आज बहुत काम किया है, खाना एंजॉय करो। तुमने आज बहुत काम किया है, खाना एंजॉय करो। जो नंबर अभी आपने डायल किया है वो उपलब्ध नहीं है। क्या तुम ठीक हो? तुम आगे चल गई, जरूर एक अच्छे पापा बनोगे। तुम ये पहले कह चुकी हो, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? एक्चुअली मुझे लगता है उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम परेशान मत हो। मैंने बहुत बार ट्राई किया पर मुझसे हो ही नहीं रहा है। शोफा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। लिंडी तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों को साथ में मिलकर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। तुम सही कह रही हो, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें उसके प्यार के लिए लड़ना चाहिए। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। मैंने जो भी कहा वो मैं भी मानती हूँ। हाँ, अब मैं सुमुयन से बात करूंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और तुम्हारे सामने एग्जांपल सेट करूंगी। तुम्हारी गुड लक के लिए चीयर्स। तुम इस प्रोजेक्ट पर इतना काम क्यों कर रहे हो? मैं मेरे अंकल को बता सकती हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा और इन्वेस्ट करें। जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ये मेरा प्रोजेक्ट है बिजनेस शुरू करने के लिए और एक प्रपोजल प्रेजेंट भी। सुमुयुन, तुम पछताओगे। क्या तुम्हें जलन हुई? ये तुम क्या बोल रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं अपनी सिस्टम अपग्रेड कर रहा हूँ, वो बस असिस्ट कर रही थी। तुम दोनों की तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से जम रही थी, है ना? नहीं, उसने वो सब कुछ अचानक किया। तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया, बताओ मुझे। मैंने पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया है और बताया है कि ये रोबोट मेरा
तुम्हारा क्या? वो झूठ बोलना भी नहीं आता, बहुत बुरे हो। ये रोबोट मेरा प्रपोजल प्रेजेंट है। ज़ियोफेंग, भूलना मत तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा था। आप कौन? तुम ठीक हो? अब मैं आ गया हूँ, डरो मत। तुम यहाँ कैसे आए? ब्रेसलेट ने अलर्ट किया। सब ठीक तो है? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस बुरा सपना देखा। आजकल मैं अपने प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, उस चक्कर में तुम्हारा ध्यान रखना भूल गया, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें खोने से डर लग रहा है, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मैंने एक्सीडेंट के लिए तुम पे शक किया, पर तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, इसलिए इसका सामना साथ में करते हैं। अब मैं और भागना नहीं चाहती, मिलकर सच्चाई ढूंढते हैं, ठीक है?